हरियाणा में 1 सितंबर यानी आज से कक्षा चौथी और पांचवी के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। करीब 1.5 साल बाद छठी क्लास से नीचे के बच्चों के लिए स्कूल को खोला गया है। कोरोना मानकों का पालन कराते हुए इनकी कक्षाएं लगेंगी। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। जो छात्र स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अधिक संख्या वाले स्कूलों में 50% छात्रों को ही बुलाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी छात्रों को मास्क लगाकर ही स्कूल में आए। पीने की पानी की बोतल घर से लेकर आनी होगी। सभी स्कूल आते समय या आने के बाद एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखेंगे। स्कूलों में बच्चों के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। क्लासरूम में भी अलग अलग दरवाजे होंगे। अंदर आते और बाहर जाते समय एक एक करके छात्र जाएंगे। स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। कोरोना के खौफ में सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला तो ले लिया, लेकिन बच्चों पर कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता है स्कूल स्टाफ का कोरोना वैक्सीनेशन, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 16 जुलाई और 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 23 जुलाई से शुरू कर दी गई थी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।